हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव एंड आई एम वेलकमिंग यू एट माय चैनल आरके लर्निंग। सो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का पाइथागोरस थ्योरम शुरू है। तो आज हम इस वीडियो में अपोलोनियस थ्योरम सॉल्व करेंगे, उसको हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको मेरे सारे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहेगा। और साथ ही दोस्तों, वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ देम हु हैड सब्सक्राइब माय चैनल। और फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज एंड तक देखते रहिए, ताकि आपको ये अपोलोनियस थ्योरम बहुत अच्छी तरीके से समझेगा। और साथ ही हम लोगों को ये जो प्रैक्टिस सेट 2.2 है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा, अपोलोनियस थियरम और एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थियरम, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। ये मैं इसके पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम। अब यहाँ पे क्या है, इन ट्रेंगल एबीसी, एम क्या है, हम लोगों का मिड पॉइंट है। हम लोगों को खाली यही ही दिया हुआ है, ये एडी जो है ना, मैंने परपेंडिकुलर बना के रखा है पहले से। ये हम लोगों को एक्चुअल में क्रिएट करना है, हम कंस्ट्रक्शन में बनाएंगे ये, ठीक है। चलो, तो मैंने पहले से बना के रख दिया है ये। तो हम लोगों का खाली इतना पता है कि M हमारा क्या है, मिड पॉइंट है किसका, BC का। अब यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर, और यहाँ पे क्या है, ये 2AM स्क्वायर, और क्या है हम लोगों का 2BM स्क्वायर। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। अब हम लोगों ने जैसे एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देखा था, एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल वो दोनों का इस्तेमाल होगा, बट हम लोगों को बहुत सारी चीजों को पहले समझना पड़ेगा। धीरे धीरे हम लिखेंगे हर एक चीजों को और फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को गीवन क्या दिया हुआ है वो हम लोग लिखते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे गीवन है इन ट्रेंगल, क्या है ये हम लोगों का, इन ट्रेंगल ए बी सी एम इज द, क्या है हम लोगों का, सॉरी, M is the mid point of किसका, BC का बराबर। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग, कि BM क्या हुआ होगा हमारा, MC से इक्वल्स हुआ होगा, इक्वल होगा ये, बराबर ना दोस्तों। अब यहां पे हम लोगों को लिखना है टू प्रूफ, क्या लिखेंगे अब हम लोग यहाँ पे, टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में क्या है, तो ये जो लिखा हुआ है यही पूरा लिखना है हम लोगों को। तो क्या हो जाएगा ये, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एम स्क्वायर प्लस टू बी एम स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। तो ये इतना हम लोगों ने लिख दिया, ये हम लोगों को एक्चुअल में प्रूफ करना है। अब हम लोग आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने ये AB एक परपेंडिकुलर बना के रखा है, ये इसी के लिए बनाया है हम लोगों ने, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ना, तो उसमें ये जो होता है स्मॉल जो पीस होती है, मतलब ये जो स्मॉल साइड होती है, इसको हम लोगों को लिखना पड़ता है बराबर। इसके लिए हम लोगों को एक्चुअल में ये परपेंडिकुलर बनाना पड़ा है। और अगर आपको याद होगा तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हमको एक परपेंडिकुलर की जरूरत होती थी, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके लिए हम लोगों ने ये बनाया है। और एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो एक्यूट एंगल वाला, ऑप्टिस एंगल वाला, वो अगर नहीं डालेंगे तो ये अपोलोनियस थ्योरम हमारा कंप्लीट होगा ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग। तो कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है सेगमेंट, क्या बनाया हम लोगों ने, सेगमेंट ए डी परपेंडिकुलर टू साइड, कौन से साइड पे है ये हम लोगों के, बी सी। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है। अब हम लोगों का एक्चुअल काम शुरू हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो आप प्लीज यहाँ पे फोकस कीजिए, इन ट्रेंगल एबीसी, क्या बोल रहा हूं मैं, इन ट्रेंगल एबीसी
ट्रायंगल ए बी सी ए एम इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी सी, बराबर। ये जो ए एम है ये हमारा परपेंडिकुलर नहीं है किससे, बी सी से, बराबर। अब परपेंडिकुलर टू साइड बी सी पूरा लिखते हैं हम लोग अच्छे से, तो एक मिनट रुको। तो ये हम लोगों का परपेंडिकुलर नहीं है किससे, साइड बी सी से, कौन, ए एम। तो इन ट्रायंगल, अब हम लोगों को यहां पे दो एंगल मिलेंगे, एक मिलेगा ए एम बी और ए एम सी, क्या मिलेगा, ए एम बी और ए एम सी। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल ए एम सी, ट्रायंगल मत लिखो एंगल लिखो, सॉरी, इन एंगल ए एम बी एंड एंगल ए एम सी, बराबर। वन एंगल क्या होगा इसमें, वन एंगल विल बी, क्या होगा ये ए एम बी और ए एम सी में, वन एंगल विल बी ऑब्ट्यूज एंड अदर विल बी एक्यूट, ठीक है। तो वन एंगल विल बी ओ बी टी यू एस ई ऑब्ट्यूज एंड अदर विल बी एक्यूट। अब देखो यहां पे ये जो सेंटेंस फॉर्म हुआ है अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ए एम बी हमारा क्या है, ऑप्टिज, इसके लिए मैंने पहले वर्ड ऑप्टिज लिखा और फिर मैंने एक्यूट लिखा, तो सब कुछ चीज सोच समझ के लिखना है हम लोगों को। तो हम लोग अब यहां पे लिखते हैं ए एंगल ए एम बी इज एन, कौन सा एंगल है ये, तो ऑप्टिज एंगल है, और एंगल ए एम सी इज एन क्या है ये हम लोगों का, एक्यूट एंगल है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये इतना यहां तक अच्छे से समझ गया होगा। अब हम लोगों को यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग एक एक करके लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए एम सी लिखा मैंने, क्या लिखा पहले मैंने, ए एम सी। अब हम लोगों को ये बात पता है कि एंगल ए एम सी इज एन क्या है हम लोगों का, एक्यूट एंगल है। तो हम लोगों को यहाँ पे इसका जो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है वो अप्लाई कर देना पड़ेगा। तो मैं यहां लिखता हूं बाय एप्लीकेशन ऑफ, क्या लिखा हम लोगों ने, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने यहां पे लिख दिया है। तो क्या है ये, ए एम सी। तो अब ये है हमारा क्या, एक्यूट एंगल है, बराबर। तो ये जो एक्यूट एंगल है इसके सामने का साइड क्या लेंगे हम लोग, सबसे पहले इसके सामने का साइड हम लोग लिख देंगे ए सी स्क्वायर। फिर क्या लिखना होता है हम लोगों को एप्लीकेशन में, ये पूरा का पूरा जो नीचे का साइड है हम लोगों का एम सी स्क्वायर वो लिखा। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस हम लोगों को लिखना पड़ेगा यहाँ पे ये जो ए एम होता है, ये जो हम लोगों का यहाँ से ये मिड पॉइंट वाला है ये हम लोगों को लिखना पड़ता है, बराबर कि नहीं दोस्तों। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस ए एम स्क्वायर। फिर हम माइनस करते हैं, इसको ही लिखते हैं, क्या करते हैं हम लोग, इसको ही लिखते हैं माइनस 2mc into, अब ये जो छोटा वाला जो साइड है अब हमको इसको लिखने की बारी है। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, अब इसको dm लिख देंगे और इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, बराबर। ये हो गया हम लोगों का यहां तलक कंप्लीट। उसके बाद में हम लोगों को ऐसे ही लिखना है, क्या लिखना है, इन ट्रायंगल ए एम बी, क्या लिखा हम लोगों ने, इन ट्रायंगल ए एम बी एंगल ए एम बी इज एन
क्या है हम लोगों का? ऑब्ट्यूज एंगल। वापिस से हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे? बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बराबर। तो ये जब हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पे हम लोगों का नेगेटिव था, बट यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। हम लोगों का क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल AMB है, तो उसका सामने का साइड क्या होगा हम लोगों का? AB² होगा। क्या होगा हम लोगों का यहाँ पे? तो AB² इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या लिखेंगे अब? ये जो नीचे का साइड है हम लोगों को वो लिखना पड़ता है, तो हम लोगों ने लिख दिया BM² प्लस हम लोगों को उसके बाद में क्या लिखना पड़ता है? ये वाला लाइन लिखना पड़ता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया AM², बट यहाँ पे ये प्लस का साइन आएगा और ये कितना आ जाएगा हम लोगों का? 2BM आ जाएगा, और फिर ये जो छोटा वाला साइड है हम लोगों को उसको मल्टीप्लीकेशन कर देना है हम लोगों को यहाँ पे, तो ये हो जाएगा DM और ये आ गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2 सक्सेसफुली तरीके से। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हम लोगों का AC² है, AB² है, ये दोनों मौजूद है हम लोगों का। तो अब बस हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे? केवल इक्वेशन को पुट करना है, मतलब ऐड करना है। तो यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूं एडिंग, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? एडिंग इक्वेशन 1 and 2। क्या लिखेंगे हम लोग? एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो हम लोगों को कैसा लिखना है? पहले फॉर्म को देख लो, तो ए बी पहले आना चाहिए, तो चलो हम लोग यहाँ पे ही लिख देते हैं पहले से ही, AB² प्लस AC² इक्वल्स टू। अब हम लोगों ने क्या किया? AB² लिखा पहले, तो हम लोगों को अब क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या? ये चाहिए तो ये तो कैसे भी लिख दो, बराबर ना। तो चलो हम लोग लिख देते हैं इसको, तो ये क्या आएगा हम लोगों का? MC² प्लस हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे? AM² माइनस 2MC × DM, और फिर ये प्लस का साइन लगाया और ये अब पूरा का पूरा लिख देते हम लोग, तो ये क्या आ गया हम लोगों का? BM² प्लस वापिस से आया AM² प्लस 2, क्या है ये हम लोगों का? तो 2BM × DM है, ये आ गया अब हम लोगों का। इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है वो हम लोगों को सोचना है अब। तो हम लोगों ने लिखा, ये क्या लिखा हम लोगों ने? अब देखो यहाँ पे ये जो BM है, BM, अब अगर हम लोग देखेंगे तो BM को क्या किया है हम लोगों ने? इक्वल किया है किससे? MC से, बराबर। BM को हम लोगों ने क्या किया है? MC से इक्वल किया है, ठीक है ना। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये जो MC है यहां पे भी हम क्या लगा देते हैं? BM लगा देते हैं, और इसको हम कैंसल कर देते हैं, क्योंकि ये कहीं पे हम लोगों को चाहिए क्या? नहीं चाहिए अभी तो फिलहाल, हम लोग देखते हैं कहीं पे किसकी कोई जरूरत होगी तो उसको हम लोग तभी का तभी ले लेंगे। तो इसको मुझे एक्चुअल में काटना है यहाँ से, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो कहीं पे भी है नहीं, तो ये वाला दो चीज मेरे काम का है नहीं। तो AB² प्लस मैंने क्या लिखा यहाँ पे? AC² इक्वल्स टू क्या है ये? MC² प्लस मैंने लिखा है यहाँ पे AM² माइनस 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्या अपना? 2BM × DM प्लस फिर क्या आएगा हम लोगों का? BM² प्लस AM² प्लस 2BM × DM, बराबर। ये लिखा हम लोगों ने, और यहाँ पे हम लोगों को लिख देना है सिंस, क्या लिखेंगे हम लोग? BM इक्वल्स टू क्या ये हम लोगों का? BM इक्वल्स टू MC है, ठीक है। तो ये हम लोगों का कैंसल हो गया है यहां से। तो अब हम लोगों का क्या बचा है उसके तरफ हम लोगों को ध्यान से देखना है। तो हम लोग उसको पहले तो लिख देते हैं, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे? तो
तो प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर प्लस क्या है ये हम लोगों का बी एम स्क्वायर प्लस क्या है ये हम लोगों का ए एम स्क्वायर। इतना हम लोगों के पास में कुछ तो बचा हुआ है। तो अब हम लोगों को बताओ, ये जो एम एम है हम लोगों का, ये टू ए एम स्क्वायर हो सकता है, बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक को हटा देते हैं, बराबर, और डायरेक्टली लिख देते हैं, क्यों अननेसेसरी स्टेप्स को बढ़ाना है हम लोगों को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये कैसे हुआ था हम लोगों का, एम एम यहाँ पे था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं टू ए एम स्क्वायर आ गया हम लोगों का। अब हम लोगों को किसकी जरूरत है, बी एम की जरूरत है। हमारे पास में एम सी है, हम लोगों को ये पता है कि बी एम का इक्वल्स क्या है, एम सी है, तो बस यहाँ पे भी हम लोग बी एम लगा देंगे अगले स्टेप में। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा बी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, बी एम स्क्वायर प्लस टू ए एम स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी क्या आया हम लोगों का बी एम स्क्वायर। यहाँ पे वापिस से लिख दो क्या कि बी एम इक्वल्स टू क्या होता है हम लोगों का एम सी। तो अब बी एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर विल वॉट, टू बी एम स्क्वायर हो जाएगा ये हम लोगों का। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एम स्क्वायर प्लस टू बी एम स्क्वायर। क्या ये हम लोगों के प्रूफ की तरह दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हम लोगों का प्रूफ क्या था, ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर टू ए एम स्क्वायर प्लस टू बी एम स्क्वायर। आई होप कि आपको ये जो अपोलोनियस थियरम है बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। हम लोगों को यहाँ पे दो बार एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थियरम लगाना था। हम लोगों को ये जो स्टेटमेंट है, ये जो प्रूफ है, इसको याद करना है ताकि हम लोगों का ये अपोलोनियस थियरम हमको किस तरीके से सम्स में अप्लाई करना है वो हमको आ जाएगा। जैसे हम लोग पाइथागोरस थियरम लिखते हैं वैसे ही इसका एक लिखने का तरीका है, वो हम लोगों को याद करना है। तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थियरम का एक्यूट ऑप्टिक्स और अपोलोनियस थियरम का जो तरीका है वो हम लोगों को अच्छे से याद हो जाना चाहिए, डायग्राम देख के कौन सा स्क्वायर कहां पे लेना है क्या करना है। तो आई होप कि हम लोग एकदम स्मूथली तरीके से प्रैक्टिस सेट 2.2 यहां पे सॉल्व कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। थैंक यू, जय हिंद।